हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मलोक में। दोस्तों, हम आपको गुरुजी अनिरुद्धाचार्य और पूजनीय गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा बताए गए उपाय बताने जा रहे हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 17 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के दूसरे सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग से चुपचाप उठा लाना, यह गुप्त चीज। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपके घर। 136 साल बाद आया है ऐसा सुनहरा मौका। दोस्तों, 17 जुलाई 2023 को सावन के पवित्र महीने का दूसरा सोमवार का दिन पड़ने जा रहा है, जिस दिन करोड़ों की संख्या में लोग भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रखेंगे और भगवान भोले के सामने विभिन्न विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करेंगे ताकि उनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन दोस्तों, यह दिन और भी खास इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इसी दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ने जा रही है। सोमवती अमावस्या की शुभ मुहूर्त 17 जुलाई 2023 को सुबह 10:06 पर शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात में 11:06 पर होगा। इस दौरान अगर आप शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो महादेव जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी का समस्याओं से तुरंत ही तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपकी कोई भी मनोकामना होगी। उदाहरण के तौर पर, आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी जरूर लगेगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था धन आना भी शुरू हो जाएगा और धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एक बात को जरा समझ लीजिएगा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों देवों के महादेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो भूत हो, चाहे वो राक्षस हो। शिव पुराण के अनुसार तो पशु और पंक्षी भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ की भक्ति हर जगह हुई है और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक शिव जी की महिमा गाई जाती रहेगी। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के तुरंत ही अपने भक्तों का आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान भोलेनाथ सिर्फ अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की संख्या अन्य देवी देवताओं के भक्तों की संख्या में कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी कभी ये नहीं देखते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला इंसान है कि राक्षस है या किस योनि से है। बस कोई भी व्यक्ति अगर भगवान भोलेनाथ की शरण में जाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देते हैं और उसके हर कष्ट को जड़ से नष्ट कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन से हर प्रकार के कष्ट और परेशानियों को खत्म कर दें और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कहा जाता है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सावन का पवित्र महीना बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। और अगर कोई व्यक्ति पूरे साल भोलेनाथ बाबा की पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सावन के महीने में विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करता है, तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं और उसकी हर मनोकामना को भी पूरा कर देते हैं। प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ कहा गया है कि सावन के इस महीने में कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, जो सावन के सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के नाम पर व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ खुद उस व्यक्ति के हर कष्ट को हर देते हैं और उस व्यक्ति की हर मनोकामना को तुरंत ही पूरा कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार अगर आप किसी भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं और सोमवार के व्रत को रखते हुए कुछ ऐसे उपाय कर लें जो आपको हम इस वीडियो में बताने आ रहे हैं,
तो दोस्तों तुरंत ही आपको आपके व्रत का पुण्य मिल जाएगा। आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी, फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों 17 जुलाई 2057 महीने का सोमवार का पवित्र दिन पड़ने जा रहा है। इस दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है। ऐसा शुभ संयोग पूरे 136 वर्ष बाद आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें 17 जुलाई 2023 को कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें इंद्र योग, ब्रह्मा योग, स्वर्ग योग जैसे पूरे 52 योग हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर इस दिन आप व्रत करेंगे और वह उपाय करेंगे जो आपको हम बताने वाले हैं शिव पुराण से, तो दोस्तों यकीन मानिए इन उपायों को जैसे ही आप करेंगे आपके जीवन में आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तुरंत पूरी हो जाएगी। और जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट से अगर आप परेशान थे, उस प्रकार के कष्ट से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। और इसी दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह गुप्त चीजें शिवलिंग से उठा करके ले आते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं विधि विधान से, तो यकीन मानिए दोस्तों इतना ही कन्या भर से आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा। और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, भगवान भोले बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन दोस्तों शिव पुराण के अनुसार अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे हैं और उसमें नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पूजा कभी भी संपन्न नहीं मानी जाएगी। यहाँ तक कि अगर आप व्रत भी कर रहे हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। लेकिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, उसमें नियमों का पालन करते हैं तो आपकी पूजा तुरंत ही सिद्ध हो जाएगी। और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपके व्रत का तुरंत ही आपको पुण्य मिल जाएगा और करोड़ों गुना पलट करके पुण्य आपको मिलेगा। इसीलिए जुलाई 2023 जिस दिन सावन महीने का दूसरा सोमवार है और इसी दिन सोमवती अमावस्या भी पड़ रही है, इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार नियम पूर्वक विधि विधान से शिवलिंग से वह चीजें उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, दोस्तों सिर्फ इतना ही करने भर से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वो तो पूरी होगी ही होगी, आपके जीवन के हर कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। और एक बार भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल गया, फिर दोस्तों आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप 17 जुलाई 2023 सावन के दूसरे सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखने जा रहे हैं तो कुछ ऐसे उपाय कर लीजिए जिनके बारे में शिव पुराण में वर्णन है। और यह उपाय जैसे ही आप करेंगे तुरंत ही आपको पलट करके एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वह धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके पास इतना धन आ जाए, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो ये महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे। बहुत ही आसान सा उपाय है। 17 जुलाई 2023 के दिन जब भी आप लोग व्रत कर रहे हैं तो आप लोगों को बस यह नहाने धोने के बाद सफेद कपड़ा पहनना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद कपड़े पहन करके आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको गंगा जल भरना है। गंगा जल मार्केट में 20-25 रुपए का मिल जाता है। गंगाजल ले आइए, गंगाजल तांबे के लोटे में भर दीजिए।
108 चावल के दाने इस एक लोटे जल में डाल दीजिए। 108 चावल के दाने आपके इस एक लोटे जल में डाल दिया। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है, अपना मुंह उत्तर की तरफ करना है। मुंह उत्तर की तरफ करने के बाद एक लोटा जल ये शिवलिंग पर अर्पित करना है और वहीं पर बैठे बैठे कम से कम 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करना है। जाप इस प्रकार से ओ श्री शिवाय नमस्तु भिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भियाम। जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कीजिएगा। इतना भगरा आप अगर आपने इस 17 जुलाई 2030 के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से मान के चलिए आपके जीवन से धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी होंगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आप करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका व्रत का आपको पलट करके दोगुना लाभ मिलेगा। सिर्फ एक काम कीजिएगा, 17 जुलाई 2023 के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के एक आंकड़े का फूल, एक बेर और एक संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दीजिएगा। कहा जाता है कि अगर सावन के सोमवार में एक आंकड़े के फूल के साथ एक बेर और संतरा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाए, इससे आपका व्रत जो होता है उससे जो मिलने वाला पुण्य होता है वो दोगुना हो जाता है। अब मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको 17 जुलाई को आपको व्रत रखना है। व्रत रखने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आपको कच्चे दोष से अगर आपने इतना भर कर दिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी जरूर लग जाएगी। आपकी नौकरी लगने में जो भी दोष आ रहे थे वो दोष हट जाएंगे, वो दोष पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और मन चाहे नौकरी आपको मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन दोस्तों, आपकी कोई मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपके एक दिन की पूजा से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, भगवान भोलेनाथ आपको वो वरदान दे दें, जिसके बाद आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आपके दिल में है वो पूरी हो जाए, आपका पूरा हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर बेलपत्र का प्रयोग किया जाएगा तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। आपको 11 बेलपत्र लेने हैं, आपको लाल चंदन लेना है, आपको सुबह से लेकर के शाम के बीच में 17 जुलाई के दिन नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जाइए। एक बेलपत्र पे आपको चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने से पहले बस भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप कर लीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तु। सिर्फ इतना के बाद एक बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रख देना है। इसी प्रकार से आपको 11 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। अगर आपने इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दिया और 11 बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपने अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ के सामने रखी तो मान के चलिए सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये प्राचीन काल के समय का वो महा उपाय है जो ऋषि मुनि भी करते थे और अगर आप करेंगे तो आपको इसका पलट करके जरूर लाभ मिलेगा। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि अगर आप सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो किन उपायों को साथ में कर सकते हैं आप, जिससे आप भोलेनाथ का वरदान मिले और आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूरी हो जाए। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वह कौन सी ऐसी गुप्त चीजें हैं जो आपको 17 जुलाई 2023 सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर स्थापित करना है, तो एक एक करके हम आपको जानकारी देने आ रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आप में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, धन संबंधित हर परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर ऐसी बने कि आपके पास जो धन आए वो रुके भी, टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो,
तो आपको बस यही करना है कि सुबह से शाम के बीच में आपको नहाना है, धोना है, सफेद कपड़े पहनना है, एक लोटा जल लेना है और पूजा घर से एक डमरू खरीद लेना है, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले शिवलिंग पर अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल अर्पित कीजिए। इस डमरू को उस शिवलिंग से छुआइए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। अब आपको इस डमरू को प्रत्येक सोमवार को धूप दिखाना है, अगरबत्ती दिखाना है। अगर आप इस तरीके से विधि विधान से डमरू को अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देते हैं तो आपके जीवन से न केवल धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। डमरू भगवान भोलेनाथ का प्रिय यंत्र है। भगवान भोलेनाथ को डमरू बहुत ज्यादा प्रिय होता है और यह उपाय आप कीजिए, आप खुद देखेंगे कि इतना ही करने भर से कैसे आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दूसरा, आपको ये बात नहीं पता तो आपकी जानकारी की बता दें, रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अगर आपने 17 जुलाई 2023 सोमवती अमावस्या के दिन एक रुद्राक्ष लिया, भगवान भोलेनाथ के आप मंदिर गए, शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद रुद्राक्ष को शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर रख दिया, तो दोस्तों आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं हो पाएगा, आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का रहेगा और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है मान के चलिए दोस्तों उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर के जितने प्रत्येक सदस्य होते हैं उन पर सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको एक बार मिल गया तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है कि एक व्यक्ति जो आपके मुंह पर आपका दोस्त बन रहा है लेकिन वो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो आपको क्या करना है, 17 जुलाई 2023 के दिन किसी भी पूजा एक पीतल का छोटा सा या अपने इच्छा अनुसार आप एक त्रिशूल खरीद लीजिएगा। इसको खरीदने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइएगा। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिएगा और इस त्रिशूल को शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर स्थापित कर दीजिएगा। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आप पर हाथ होगा। और एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपना हाथ आपके ऊपर रख दिया तो साक्षात काल भी आकर के आपका कुछ करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार।